शाहजहांपुर के कस्बा मीरानपुर कटरा में बीती रात एक पेठे के कारखाने में भीषण आग लग गई। लपटों के बीच सामान उठाने के चलते फैक्ट्री मालक भी लपटों के बीच सामान उठाने के चलते फैक्ट्री मालिक भी आग के दरिया के बीच घिर गया और मामूली रूप से झुलस गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी चीख पुकार मच गई। आगजनी की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टीन शेड में चल रही पूरी फैक्ट्री राख हो गई। एक कटरा में जो है पेठा फैक्ट्री में आग लगी है, उसमें कितना कैसे क्या नुकसान हुआ बता सकते हैं? ऐसा जो तिलहर में हमारी फायर यूनिट रहती है, तो थाने द्वारा उनको पता लगा लगभग 2:30 बजे के लगभग कि वहाँ कटरा में जो पेठा बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है उसमें आग लगी। इस पर हमारी यूनिट तुरंत रवाना हुई। लगभग 10-12 मिनट में वहाँ घटनास्थल पहुँचने के बाद आग की भयानकता को देखते हुए उन्होंने मुझसे एक गाड़ी डिमांड की कि शाहजहांपुर से एक गाड़ी भेज दी जाए। तो एक गाड़ी शाहजहांपुर से भेजी गई। उसमें जो प्रकाश में आया है कि जो आग संभवतः 2:30 से पहले लगी होगी, तो क्योंकि उन लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया, उसी में उसमें शिवलाल और उसका साथी आशीष है, दो लोग आंशिक रूप से झुलस भी गए। जब तक फायर यूनिट पहुंच जाती है, फायर यूनिट ने काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी उसमें जनरेटर है, एक मोटरसाइकिल और एक मोटर, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उसकी चीनी की बोरियाँ भी जल प्रकाश में आई हैं, जली हुई हैं, और जो पेठा बनाने के कढ़ाई इक्विपमेंट जो छोटे मोटे होते हैं उसके पार्ट, वो भी लगभग लाखों का नुकसान आंका जा रहा है। और लगभग 5-6 घंटे आग बुझाने में लगे। सुनने में आया कि जो नगर पंचायत का काट है कटरा है, उसने मना कर दिया था पानी देने से, ऐसा कुछ मामला से इस तरीके की बात तो प्रकाश में नहीं आई। जो हमारे यूनिट प्रभारी हैं वहाँ फिलहाल में, उन्होंने भी नहीं बताया, जो वहाँ यहाँ की यूनिट गई उसने भी नहीं बताया। फिलहाल वहाँ प्रॉब्लम जरूर आई है, क्योंकि पानी उनको तिलहर से लाना पड़ा, इस वजह से भी आग बुझाने में समय लगा। अब इसमें देखा जा रहा कि क्या कारण रहा, कि पानी किसने मना किया, अगर किसी ने मना किया है तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके लिए हम संतुष्टि करेंगे। मोटरसाइकिल चीनी वगैरह। आपके क्या लड़के हैं? हमारे लड़के दो हैं। क्या नाम है? एक पप्पू एक धर्मेंद्र। आपका क्या नाम? शिवलाल। पोता जल गया आपका? हाँ। कहाँ भरती है? लेगा है, अब पता नहीं कहाँ भरती है, बरेली कह रहे थे। ज़्यादा जल गया? हाँ, जल गया पूरा गया। सब लोग क्या हैं, लेटते हैं? अंदर लेटे, अब तो निकल के भागे हैं। भागने में जो आँच में जले हैं, आँच में लगे हैं, लगी है खाली, जले बस लपट गए।